नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, जहां वे आज पंचकुला में एक रोड शो करने जा रहे हैं। आज जबलपुर के दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय, जहां वे जबलपुर में आयोजित होने वाले बीजेपी के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का आज लखनऊ में समापन होगा। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने यूपी में यूपी जोड़ो यात्रा निकाली है। नोएडा में आज 57 डिफॉल्टर बिल्डर्स के साथ नोएडा प्राधिकरण करेगी बैठक। इसके बाद फ्लैट्स बायर को उनके सपनों का घर मिलने की संभावना है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने समिति की सिफारिश को लागू करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया है। इस बारे में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रस्ताव को शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई। बिहार के वरिष्ठ नेता और समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक एवं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी की 88वीं जन्मतिथि समारोह मनाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके 88वें जन्मतिथि का सबसे बड़ा उपहार अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण एवं उनका प्राण प्रतिष्ठा होना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं, हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। आज इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक हो सकती है, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार को गठबंधन दल का संयोजक बनाए जाने की संभावना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर का दौरा करेंगे, जहां वे दोसर के पुलिस मैदान में एक संस्था के कार्यक्रम में शामिल होंगे और हजारों विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट मामले में आज आ सकता है फैसला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने याचिका देकर समय बढ़ाने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बलिया के दौरे पर रहेंगे, जहां वे जिला के अध्यक्ष रहे राजमंगल यादव के परिवार से मिलकर शोक प्रकट करेंगे। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जारी है, जहां यूपी बिहार में भी ठंड से लोग परेशान हैं। वहीं अगले आने वाले 2-3 दिनों तक बरसात होने की संभावना है और बरसात के बाद ठंड में कुछ राहत मिल सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं, जहां वे आज जयपुर में रहेंगे और राजस्थान इंटरनेशनल केंद्र में डीआईजी और आईजी कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। इसके बाद वापस राजभवन पहुंचेंगे। बता दें कि राजस्थान में 5 से 7 जनवरी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जयपुर आए हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी करने की खबरों के बीच बंगाल से सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि चुनाव से पहले सीएए लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक सुनील कांबले द्वारा एक पुलिस कर्मी को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि कांबले ने जब पुलिस कर्मी को थप्पड़ मारा, तब उस समय राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी वहीं मंच पर थे। गोदरेज इंडस्ट्री गुजरात में करेगी 600 करोड़ रुपए का निवेश, सैकड़ों लोगों को मिलेगा रोजगार। महुआ के अलनर थाना अंतर्गत 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है, जहां अलनर थाना के धवरा चौकी अंतर्गत एक गांव की छात्रा स्कूल के लिए जा रही थी, तभी उसी वक्त गड़िया जगतपुर गांव का सुनील अहिरवार मोटरसाइकिल से आया और छात्रा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दिया, जिसके बाद जैसे तैसे वो वहां से भागी और परिजनों को बताया, जिसके बाद अलनर थाना पुलिस में
परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 में से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। इसी को आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का प्रस्ताव दिया है और माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 5 सीटें और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आम आदमी पार्टी उल्टा मान के चल रही है। 166 साल पहले निहंग ने लड़ी थी राम मंदिर की लड़ाई, पहली बार किया था बाबरी मस्जिद में हवन। अब श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में खुशी मनाने के लिए लगा रहे हैं लंगर। केदारनाथ धाम में मार्च से फिर शुरू होंगे पुनर्निर्माण के कार्य, यात्रा से पहले सरस्वती नदी पर पुल निर्माण पूरा करने का है लक्ष्य। छत्तीसगढ़ के कांकेर में छुट्टी पर जा रहे बीएसएफ के जवानों की गाड़ी पलट गई, जहां 15 जवान घायल हो गए हैं और इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के सोफिया में मारे गए आतंकी बिलाल अहमद भट्ट की सुरक्षा बलों को बहुत दिनों से तलाश थी। सुरक्षा बलों के अनुसार वह मजदूरों और लेफ्टिनेंट की हत्या में भी शामिल था। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।